आसूस वीवो बुक 15 i3 12th जनरेशन प्रोसेसर के साथ होना यह लैपटॉप जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। और यह जो लैपटॉप है वो मैं कैसी बैटरी बैकअप देखा, कैसी इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी रहेगी, साउंड क्वालिटी कैसी रहेगी स्पीकर्स की, और इस लैपटॉप में मैं कैसी बिल्ड देखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको वीडियो को प्रांत तक देखना पड़ेगा। और अगर आप इस लैपटॉप को खरीदने वाले तो इसको खरीदने का बाई करने का ओरिजिनल बेस्ट बाय लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप इस लैपटॉप को बाई भी कर सकते हैं। यह लैपटॉप आपको ऑनलाइन ही काफ़ी सस्ते में देखने को मिल जाएगा, तो आप इस लैपटॉप को ऑनलाइन बाई कर सकते हैं, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए हमने कुछ फोटोज़ क्लिक कर लिए, अब आपको दिखाते हैं और लैपटॉप के बारे में सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता देते हैं। इस लैपटॉप में आपको 7 to 8 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, यह जो लैपटॉप है इसमें आप अप टू 24 GB तक रैम एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि रैम बढ़ा लेंगे तो इन फ्यूचर जो है अगर आपकी ज़रूरत बढ़ जाती है, लैपटॉप में वर्कलोड बढ़ जाता है, तो आप इस लैपटॉप को डेफिनेटली फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप कह सकते हैं। यह जो लैपटॉप है फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, लगभग 1 घंटे में यह लैपटॉप फुल चार्ज हो जाता है। इस लैपटॉप पे जो डिस्प्ले यूज़ किया गया है वो 250 nits की ब्राइटनेस प्रोड्यूस करता है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, आउटडोर में भी काफ़ी इजीली विजिबल होगा, विविड कलर्स प्रोड्यूस करता है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डिस्प्ले इसमें यूज़ किया गया है। इस लैपटॉप में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने मिल जाता है लैपटॉप को अनलॉक करने के लिए, जो कि इस बजट में और कोई भी ब्रांड नहीं देती है। साथ ही में दोस्तों इस लैपटॉप में आप 1 TB तक SSD अपग्रेड भी कर सकते हैं। बात करें लैपटॉप ओपनिंग की, तो इस लैपटॉप को आप 180 डिग्री तक ओपन कर पाएंगे, जो कि काफ़ी सारे यूज़ के सिनेरियो में काम आ जाता है। यह जो लैपटॉप है इसमें आप गेमिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि एसफर्ट 9, GTA 5, VGMI जैसे आप गेम इस लैपटॉप में खेल पाएंगे। साथ ही में अगर आप चाहें तो इस लैपटॉप में टैली यूज़ कर सकते हैं, साथ ही में पेंट, MS Office, MS Word, MS Excel, ये सारी चीज़ें आप इस लैपटॉप में चला पाएंगे काफ़ी इजीली। फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं फोटो एडिटिंग के लिए, Adobe Premiere Pro वीडियो एडिटिंग के लिए, Lightworks और Filmora जैसे ऐप्स आप इस लैपटॉप में यूज़ कर पाएंगे। इस लैपटॉप को कोडिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी पर्पज़ के लिए यह लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस लैपटॉप में आपको 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप भी देखने को मिल जाता है, तो लॉन्ग रन में भी यह लैपटॉप आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और अच्छा साथ निभाएगा। साथ ही में इस लैपटॉप में जो बैटरी यूज़ की गई है वो लिथियम आयन बैटरी यूज़ की गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबा टिकती है। बात करें दोस्तों यहाँ पे पोर्ट्स की, तो यहाँ पे आपको HDMI पोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही में इस लैपटॉप में आपको Type-C पोर्ट, जिसकी डेटा ट्रांसफ़र स्पीड अप टू 5 GBPS है, साथ ही में USB पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और एक हेडफोन जैक जिसकी आउटपुट क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और साथ ही में इस लैपटॉप में आपको डुअल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वीडियोज़ वगैरह देखोगे तो साउंड आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, साउंड क्वालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलेगी। DTS ऑडियो का भी सपोर्ट आपको इस लैपटॉप में देखने को मिल जाता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके आपको इंस्टेंटली रिप्लाई भी मिल जाएगा। ओवरऑल मैं कहूँ तो लैपटॉप बढ़िया, आप इसको डेफिनेटली बाई करिए। इसको खरीदने का लिंक मैंने दिया हुआ है, ओरिजिनल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे क्लिक करके आप इस लैपटॉप को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, बिल्कुल ही सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। साथ ही में यह लैपटॉप विंडोज़ 11 के साथ आता है, और इन फ्यूचर आप इस लैपटॉप को अपग्रेड भी कर पाएंगे, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, और यह लैपटॉप परफेक्ट लैपटॉप है, आप इसको डेफिनेटली ले लीजिए।